केंद्र चुनाव समिति की बैठक, इसी से जुड़ी ये बड़ी खबर। अमित शाह जेपी नड्डा बीजेपी मुख्यालय में पहुंच चुके हैं, अपडेट मिल रही है इस खबर को लेकर। शहनवाज हुसैन भी मौजूद हैं बैठक में, तो थोड़ी ही देर में बैठक शुरू हो जाएगी। बड़ी महत्वपूर्ण बैठक आज की होने वाली है, बीजेपी केंद्र चुनाव समिति की अहम बैठक है। बैठक में तमाम दिग्गज नेता मौजूद पहुंचने लगे हैं। अमित शाह पहुंच चुके हैं, जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं बीजेपी मुख्यालय में। इसके अलावा आपको बता दें कि शहनवाज हुसैन भी वहां पर मौजूद हैं, और इसीलिए कहा जा रहा है कि कुछ ही वक्त बाद बैठक शुरू हो जाएगी। बैठक में चर्चा उम्मीदवारों के नामों को लेकर, उम्मीदवारों के नामों के ऐलान को लेकर, और कहा यह भी जा रहा है, कयास लगाए जा रहे हैं कि आज बीजेपी की लिस्ट आ सकती है, पहली लिस्ट आज बीजेपी घोषित कर सकती है, अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान आज किया जा सकता है। इसीलिए इस बैठक में बहुत महत्वपूर्ण मसलों पर चर्चा की जाएगी। क्या कुछ मसले रहने वाले हैं, किन मापदंडों के जरिए उम्मीदवारों को चुना गया है, प्रायोरिटीज क्या रही हैं, आखिरकार कैसे जो है इनका चुनाव किया गया है, कैसे मापदंड रखे गए हैं, और बीजेपी ने आखिरकार किन किन उम्मीदवारों पर दाव खेला है इस बार, कौन से ऐसे उम्मीदवार रहने वाले हैं जिन पर बीजेपी अपना भरोसा अपना विश्वास जता रही है, ये सब आज के इस महत्वपूर्ण बैठक के बाद स्पष्ट हो जाएगा। थोड़ी ही देर में कहा जा रहा है बैठक शुरू हो जाएगी। विधानसभा चुनाव 2019 से जुड़ी बड़ी खबर, बीजेपी केंद्र चुनाव समिति की बैठक को लेकर। संवाददाता हमारे साथ जितेंद्र चौधरी दिल्ली से जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, अमित शाह जेपी नड्डा बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं, यानी कि कुछ ही समय में बैठक शुरू भी हो जाएगी, क्या फिलहाल ताजा अपडेट है? बिल्कुल, अगर बात की जाए तो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, इसको लेकर के जो भाजपा के जो वरिष्ठ नेता है उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। फिलहाल अगर हम बात करें तो इसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृहमंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंच चुके हैं, जेपी नड्डा यहाँ पर पहुंच चुके हैं, साथ ही शहनवाज हुसैन यहाँ पहुंच चुके हैं, दूसरे पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और सीधे तौर पर इस वक्त अगर हम बात करें तो जो पैनल बनाया गया था प्रत्याशियों को लेकर के, उस पैनल को लेकर के अब एक अंतिम मोहर का जो सिलसिला है कुछ ही मिनटों बाद शुरू होने वाला है, यानी जो प्रत्याशी है उनकी धड़कनें और तेज बढ़ने वाली है, और इस बात को लेकर के अंतिम मोहर को लेकर के उनके नाम पर भाजपा आलाकमान का क्या कुछ फैसला रहता है। फिलहाल अगर हम बात करें तो कुछ ही मिनटों में ये बैठक शुरू होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने के साथ ही ये बैठक शुरू हो जाएगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पहले से ही भाजपा के केंद्रीय कार्यालय में मौजूद है, जिनके साथ जो पैनल बनाया गया है यहाँ प्रभारी, और नरेंद्र तोमर जो भाजपा के जो प्रभारी है अनिल जैन, साथ में चुनाव प्रभारी नरेंद्र तोमर भी मौजूद है, जो लगातार पैनल बनाने को लेकर के जो प्रक्रिया थी इससे पहले कर रहे थे, और अब फाइनल मोहर लगाने का सिलसिला कुछ ही देर बाद शुरू हो जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि 60 से 65 जो सीटें हैं उन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आज अपने जो उम्मीदवार है उनकी घोषणा कर सकती है, और तमाम जो 90 नाम है उनको लेकर के चर्चा कर ली जा चुकी है। आवाज आपकी थोड़ी ब्रेक हो रही है जितेंद्र, शुक्रिया आपका। कोई टेक्निकल फॉल्ट, फिर से जुड़ने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन जो जानकारी आपने दी उसका बहुत शुक्रिया। तो कुछ ही समय बाद बैठक शुरू हो जाएगी, नेताओं के पहुंचने का जो सिलसिला है इस बैठक के लिए वो शुरू हो चुका है। अमित शाह पहुंच चुके हैं, जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं, शहनवाज हुसैन वहां पर मौजूद है, इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया जा रहा है। जैसे ही पहुंचेंगे बैठक शुरू हो जाएगी, नामों को लेकर मंथन चर्चा और मोहर आज लग सकती है। तो ये खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं हम, बड़ी खबर, चुनाव समिति की जो बैठक है वो कुछ ही समय बाद शुरू हो जाएगी, थोड़ी देर बाद बताया जा रहा है बैठक शुरू हो जाएगी। और ये बैठक आज की महत्वपूर्ण इसलिए बताई जा रही है क्योंकि आज कहा जा रहा है जो नामों की लिस्ट है वो फाइनलाइज हो जाएगी, मतलब आज बीजेपी कुछ नामों की घोषणा कर सकती है, ऐसे कयास लग रहे हैं सूत्रों के हवाले से, ऐसी खबरें भी मिल रही हैं।
कि आज लिस्ट बीजेपी की तरफ से आ सकती है, कुछ नामों का वो डिक्लेयर आज कर सकती है, उम्मीदवार कौन से होंगे और कौन कौन से विधानसभा क्षेत्रों से वो उम्मीदवार घोषित करती है। सबसे पहले नजरें उसी पर टिकी हुई हैं, क्योंकि बहुत सारे आवेदन बीजेपी के पास इस वक्त हैं और टिकटों की माथापच्ची सबसे बड़ा इस वक्त बीजेपी के लिए चुनौती बनी हुई है। किसको वो टिकट देती है, किसकी नाराज, तो नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। पहुंच रहे हैं तमाम नेता और शहनवाज हुसैन भी वहां पर मौजूद हैं। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, थोड़ी ही देर में बैठक शुरू हो जाएगी। इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने का किया जा रहा है। फिलहाल अमित शाह, जेपी नड्डा बीजेपी मुख्यालय में पहुंच चुके हैं। इसके अलावा आपको बता दें, शहनवाज हुसैन भी वहां पर मौजूद हैं। बैठक का इंतजार किया जा रहा है और पल पल की अपडेट हरियाणा न्यूज आप तक पहुंचा रहा है कि क्या इस वक्त मंथन का दौर चल रहा है। संवाददाता जितेंद्र चौधरी की तरफ रुख कर लेते हैं। जितेंद्र, बैठक की वो घड़ी आ चुकी है जब वो शुरू ही होने वाली है, क्योंकि अमित शाह उसमें पहुंच चुके हैं, शहनवाज हुसैन उसमें मौजूद हैं, जेपी नड्डा उसमें पहुंच चुके हैं, प्रधानमंत्री के आने का इंतजार किया जा रहा है, और क्या अपडेट फिलहाल है आपके पास? बिल्कुल, अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री के आने का ही इंतजार यहां पर किया जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल, प्रदेश के जो प्रभारी हैं अनिल जैन, प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला, चुनाव प्रभारी नरेंद्र तोमर समेत तमाम जो नेता थे जो इसको लेकर के लगातार पिछले कुछ दिनों से जो आवेदन है उनकी स्क्रूटनी करने में लगे हुए थे, अब कहीं ना कहीं जो पैनल है वो आज इस केंद्रीय चुनाव समिति के समक्ष रखा जाएगा, जिसके बाद एक अंतिम मोहर लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी की एक लिस्ट देखने के लिए मिल सकती है। अब सभी 90 विधानसभाओं की बात की लिस्ट जारी करने की बात की गई है, लेकिन जो जानकारी है कुछ एक विधानसभा ऐसी है जिसको लेकर के अभी शायद जो पूरी लिस्ट है वो जारी ना की जाए। करीब 60 से 65 उम्मीदवारों की लिस्ट यहां पर जारी की जा सकती है। प्रधानमंत्री के पहुंचने के बाद केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शुरू होगी, जिसमें तमाम चुनाव समिति, केंद्रीय चुनाव समिति के जो सदस्य हैं वो मौजूद रहने हैं। एक बात और अहम हो जाती है, क्योंकि चुनावी रणनीति को लेकर के ये पहली बार ऐसा है कि जब अरुण जेटली और सुषमा स्वराज के निधन के बाद इस प्रकार की बैठक हो रही है। चुनावों को लेकर के एक बड़े थिंक टैंक के तौर पर इनको समझा जाता था, और सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो इनकी चुनावी रणनीति और इनसे जुड़े जो नेता हैं वो अपने स्तर पर भी कहीं ना कहीं अपने लिए, अपने जो समर्थक हैं उनके लिए लॉबिंग करते हुए नजर आते थे, और इसका प्रभाव भी देखने के लिए मिलता था, जिसका पार्टी को फायदा मिलता था। लेकिन अब कहीं ना कहीं इस चुनाव समिति के समीकरणों में भी इस प्रकार का बदलाव रहेगा, और जिसके बाद एक पैनल देखने के लिए मिलेगा, फाइनल पैनल जिसको कह सकते हैं, या फिर कहें कि एक सूची के तौर पर वो देखने के लिए मिलेगा। पैनल तमाम जो नेता हैं जो लगातार पिछले कुछ दिनों से इस पर काम कर रहे थे, प्रदेश चुनाव समिति, उसकी तरफ से आज इस बैठक के पटल पर रखा जाएगा, जिसके बाद एक फाइनल सूची सामने आ सकती है। जी ठीक है जितेंद्र, शुक्रिया अपडेट, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। तो बड़ी और अहम खबर पर हम लगातार बने हुए हैं, नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है, पहुंच रहे हैं नेता और इंतजार बस इसी बात का किया जा रहा है कि कब, जिस बात की अटकलें हैं आज तेज की लिस्ट आज आ जाएगी बीजेपी की तरफ से। पहले लिस्ट उम्मीदवारों के नामों का ऐलान आज हो जाएगा, कौन कौन सी सीटों से होता है इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। इंतजार हमें भी है कि जैसे ही लिस्ट के बारे में कोई जानकारी मिले, उम्मीदवारों के नामों के बारे में कोई जानकारी मिले, हरियाणा न्यूज के माध्यम से हम अपने दर्शकों को भी जल्द से जल्द ये बता पाए। तो नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे। चलिए अब अगली खबर आ रही है उसकी तरफ हम रुख कर रहे हैं। हरियाणा बीजेपी की बैठक खत्म हो चुकी है, तो दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में जो बैठक चल रही थी, एक और बैठक, उसको खत्म होने की खबर आ रही है। हालांकि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक कुछ ही देर में होगी, लेकिन उससे पहले जो बैठक हो रही थी वो खत्म हो गई है, जो कि चुनाव प्रभारी नरेंद्र तोमर की अध्यक्षता में हो रही थी। वो हरियाणा बीजेपी की बैठक फिलहाल खत्म हो गई है। उसमें क्या कुछ चर्चा हुई है, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आई है, वो जानना जरूरी हो जाता है। दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में बैठक हो रही थी, वो प्रदेश चुनाव प्रभारी नरेंद्र तोमर की अध्यक्षता में ये बैठक हुई थी।
तो ये बैठक तो खत्म हो गई है, लेकिन अब दूसरी बैठक पर नजरें भी बनी हुई हैं। उस दूसरी बैठक में क्या कुछ होता है, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी कहा जा रहा है कुछ ही समय में हो जाएगी, लेकिन उससे ठीक पहले जो बैठक का आयोजन किया गया था प्रदेश चुनाव प्रभारी नरेंद्र तोमर की अध्यक्षता में, उस बैठक में क्या नतीजा निकला है, उस बैठक में क्या चर्चा का विषय बना रहा और बैठक खत्म होने के बाद जानकारी क्या मिल रही है, ये फिलहाल सबसे बड़ा सवाल भी बना हुआ है और ये जानकारी भी दर्शकों तक पहुंचानी है अभी कि क्या इस बैठक में हुआ है, क्या निष्कर्ष निकला इस बैठक का और इस बैठक के तुरंत खत्म होने के बाद क्या जो दूसरी केंद्र चुनाव समिति की बैठक है वो भी शुरू हो जाएगी, ये भी जानकारियां फिलहाल देनी बहुत जरूरी है। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, बैठक खत्म हो गई है, प्रदेश चुनाव प्रभारी नरेंद्र तोमर की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है, हरियाणा बीजेपी की बैठक चल रही थी हरियाणा भवन में, काफी समय से ये बैठक भी चल रही थी जो कि खत्म हो चुकी है, बीजेपी मुख्यालय में बैठक का आयोजन किया गया था, बैठक के खत्म होने की खबर फिलहाल आ चुकी है जिसमें नरेंद्र तोमर की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि इस बैठक में भी कहा जा रहा है कि टिकटों के नामों को लेकर ही चर्चा की गई है,